हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज। कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो स्पेशली डेक ओवन के लिए है, ऑटोमेटिक गैस डेक ओवन जो कि गैस ऑपरेटेड है और एलपीजी गैस से मशीन जो है वो पूरी ऑपरेटिंग होती है। इसके लिए आपको बिजली का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग आपको ये मशीन के अंदर नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी भी एक बेकरी हो, मेरी भी एक शॉप हो जहाँ पर मैं केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, कुकीज़ है, नान खटाई है, बिस्किट वगैरह, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें मैं सेल करूँ, अपना ब्रांड बनाओ, अपनी मार्केट बनाओ। आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी बेकरीज है और बहुत अच्छी अच्छी वो वेराइटीज़ बनाती है, काजू बादाम वाले बिस्किट बनाती है, ठीक है, फिर बादाम वाले बिस्किट बनाती है। तो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे फूड इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस करना है, तो आप एक छोटे मशीन लेकर आपकी दुकान में रखकर आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हो फ्रेंड्स, जिसमें बिजली का इतना सारा उपयोग नहीं होता। आप मेरे यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं कि कितना कॉम्पैक्ट सा मशीन है ये। ये जो है वो गैस ऑपरेटेड ओवन है। ये मशीन जो है वो गैस से चलता है, एलपीजी गैस का कनेक्शन इसको देना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टाइमर कंट्रोल पैनल सारे इसके ऑपरेटिंग आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा मशीन का थोड़ा यहाँ पर लुक दिखा दीजिए, ठीक है। ये फुल एसएस स्टेनलेस स्टील बॉडी में मशीन को डिज़ाइन किया गया है, फुल एसएस स्टेनलेस स्टील बॉडी में मशीन को बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इसका हैंडल दिखाऊंगा। ये हैंडल जो है फोल्डेबल है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टिंग में ये निकल जाएगा और आप वहाँ पर इजीली ज्वाइन कर आपका ओवन जो कंप्लीट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छा ग्लास फिनिशिंग दिया हुआ है जो आप बाहर से अंदर की चीज़ आप देख सकते हो। लाइट का भी ऑप्शन दिया है मशीन के अंदर, लाइट भी जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपका मशीन के अंदर आप जो प्रोडक्ट है, केक बिस्किट्स वगैरह बना रहे हो, तो आप देख सकते हो कि मेरी चीज़ पकी है या नहीं पकी, ठीक है। हम इस डेक को ओपन करेंगे तो ये हैवी कॉमर्शियल ओवन है। इसके अंदर आप इतनी अच्छी स्पेस देख सकते हो। ये मैनुअल कार्ड है मशीन के, ठीक है। गैस डेक ओवन का ये पूरा मैनुअल कार्ड हमने साथ में देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी पूरी गैस ऑपरेटेड मशीन है, ये गैस से चलती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील अंदर से भी बनाया गया है, कॉपर पाइपिंग कहीं पर भी नहीं लगा है। मशीन के अंदर बर्नर है, यहाँ पर जो है वो बर्नर है, ठीक है। जैसे ही आप ये टेम्परेचर कंट्रोल को शुरू करेंगे, इग्निशन, ऑटो इग्निशन से अंदर के जो बर्नर्स है वो बर्न अप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप उसकी फ्लेम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 0 से लेके 300 सेल्सियस डिग्री तक ये मशीन आपको हीटिंग प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। ये इतनी प्लेन सी आप अच्छी जगह देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को पका सकते हो, चाहे वो पिज़्ज़ा है, केक है, केक का पफ आप बना रहे हैं, ठीक है, बिस्किट्स है, ठीक है, कुकीज़ वगैरह है, ठीक है, बन है, ब्रेड है, यहाँ तक आप होलसेल में भी चीज़ों को आप अच्छी तरह बना सकते हो। फास्ट ओवन है, क्विक ओवन है, फटाफट ये जो ओवन है वो बना करके आपको मेकिंग प्रोसेस देता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि गैस ऑपरेटेड है तो फ़ायदेमंद भी बहुत है, इलेक्ट्रिक से ज़्यादा यूजेबल मशीन भी बहुत है फ्रेंड्स। हम आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी मशीनरीज लेकर आते ताकि आप आपका बिजनेस शुरुआत कर सको फ्रेंड्स। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली, मैं आपको मशीन का कंप्लीट गाइडलाइन देने वाला हूँ। अगर अभी कॉल करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर नंबर दिया है, अभी फ़ोन कीजिए आप डिस्प्ले पर से नंबर लगा करके और मशीन की जानकारी और प्राइस लीजिए फ्रेंड, ठीक है। और आपका बिजनेस शुरुआत कीजिए, मशीन घर पर मंगवाइए आपकी, ठीक है। या फर्स्ट ऑफ ऑल दो टेम्परेचर कंट्रोलर देख पा रहे हैं, ये दो टेम्परेचर कंट्रोलर है। एक टेम्परेचर जो है वो यहाँ ऊपर से हीटिंग देता है, यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ रखी है तो ऊपर से भी हीटिंग देगा, और ये दूसरा टेम्परेचर कंट्रोलर है वो नीचे से भी हीटिंग देगा ताकि आपकी जो बीच की चीज़ है वो अच्छी तरह पके। फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो पिज़्ज़े का जो नीचे का लेयर है वो भी अच्छी तरह क्रिस्पी होना चाहिए और ऊपर का जो टेक्सचर है जहाँ पर चीज़ वगैरह मोजरेला चीज़ है वो भी अच्छी तरह पके। तो आपके हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कि कैसी चीज़ को बेक अच्छी तरह होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मशीन का ऑन ऑफ स्विच दिया, ये ऑन करेंगे आप इसलिए कंट्रोल पैनल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ करेंगे कंट्रोल पैनल बंद हो जाएंगे। लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइट शुरू करेंगे इसलिए यहाँ पर दो वार्म वाइट लाइट दी है जो फुल आपको जो लाइट देगी आपको, ठीक है, ताकि आपका जो यहाँ पर ग्लास भी है ना, इसके बाहर से अंदर की चीज़ दिख जाएगी आपको कि भाई चीज़ कैसी है, पकी है कि नहीं पकी अच्छी तरह, ठीक है। फिर ये जो स्विच आपको दिख रही है वो जो है वो टाइमर की स्विच है, इससे ये जो टाइमर है वो पूरा शुरू हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको मशीन के अंदर ये भी ध्यान नहीं रखना है कि भाई ये चीज़ पकी है नहीं पकी है, बार बार खड़ा नहीं रहना है। टाइमिंग सेट करके जाना है कि 10 मिनट के अंदर ये चीज़ पक जाएगी, 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो मशीन है वो बंद हो जाएगा। गैस सेवर भी मशीन बोल सकते हो, बहुत इतना गैस उपयोग नहीं करता है मशीन, ठीक है। फिर वॉइस कंट्रोलर भी, अगर टाइमर
ख़त्म होने के बावजूद भी आप जो है वो नहीं लेते, तो टाइमर यहाँ पर जो वॉइस कंट्रोलर दिख रहा है, वॉइस कंट्रोलर की मदद से आपको ये मशीन बीप बीप साउंड करके आपको अलर्ट भी करता है कि आपकी जो चीज़ है वो पक चुकी है, अभी आप उसको निकाल सकते हो, ताकि कस्टमर भी वेट ना करे, ठीक है, अर्जेंसी में आप फटाफट निकाल के कस्टमर को सर्व कर सको, आपकी कस्टमर को फास्ट सर्विंग का मौका मिले, आपकी दुकान का नाम बढ़े, बिजनेस का नाम बढ़े, बिजनेस आपका ग्रो करे। यही हमारी ख्वाहिश है कि आपका बिजनेस ग्रो करे और आप अपग्रेड करें अपने बिजनेस को, छोटी दुकान को आप बड़े रेस्टोरेंट तक लेकर जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जुड़िए वीनस इंडिया इंडस्ट्रीज से, ठीक है। बाकी ये इस तरह का पूरा मशीन है, ठीक है फ्रेंड। तो आप भी बिजनेस शुरुआत करें, आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप डायरेक्टली फ़ोन कीजिए। ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवरी करते हैं मशीनों की, कहीं पर भी हो आप, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कश्मीर हो, श्रीनगर हो, तो आपको मशीन वहाँ तक डिलीवरी दी जाएगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।